गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जो आज हम एडिटोरियल सेशन करने वाले हैं, आज है 21 जून है आज। तो आज क्या है, इंटरनेशनल योगा डे। सबको योगा डे की शुभकामनाएं, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको पेंडेमिक के बाद पता लग गया होगा कि योगा का इम्पोर्टेंस कितना है और एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस कितना है। एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज इन ए डे फॉर ए गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। अन्यथा आपको 3 से 4 किलोमीटर डेली वॉक करना चाहिए। ये लाइफ का एक पार्ट है। इसको अगर सेहत होगी तो ही आगे आप चीज़ें कर पाएंगे ना। अगर हेल्थ इज नहीं होगी तो कैसे हर चीज़ों को आप पा पाएंगे, ना ही स्टडी कर पाएंगे ना कुछ पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट मैं अपने एडिटोरियल स्टार्ट करता हूँ। जो स्टार्ट आता है कॉम्प्लीट एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स, ये क्या बात कर रहा है, एडिटोरियल क्या बात कर रहा है, रशियन क्रिटिकल एडवोकेसी ऑफ चाइना, ग्लोबल जो उसका विजन्स है, इन वॉट सीम्स टू बिलीव इन इंडिया क्वाइट कंफाउंडेड। मतलब क्या हुआ, जो रशिया हितेशी हो रहा है, एडवोकेसी कर रहा है चाइना की ग्लोबल पॉलिसी का, कि बैकअप कर रहा है, मतलब बैक बोन दे रहा है एक तरीके से, ये क्या शो कर रहा है कि इंडिया के लिए कोई हैरानी या भौचक की बात है इस चीज़ से। तो इसी में पूरी में ये एडिटोरियल दिया हुआ है। मतलब कि क्या, कि जैसे जैसे मतलब कि रशिया और इंडिया की जो है, रशिया और चाइना की जो क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है, वो इंडिया के लिए पे क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, क्या इंडिया के लिए खतरे का निशान है। ये बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, क्योंकि चाइना से हम थोड़ा अलग रहते हैं। मतलब चाइना से जो हमारी पॉलिसी है वो एक तरह से डिफरेंट पॉलिसी है, कि चाइना को हम हर जगह बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट अगर रशिया के साथ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के जो क्लोज टाए हैं, जो रशिया और इंडिया के क्लोज टाए हैं, बहुत क्लोज टाए हैं। बिकॉज एक इकलौती ऐसी कंट्री है रशिया जिसने इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है, कितनी सबमराइंस दी हैं टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वाली, कितने MiG-24 रशिया की देन है, ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ बनाई है। तो इंडिया के बहुत अच्छे टाई हैं रशिया के साथ। अगर ये चीज़ शो हो रही है तो एक तरह से जो क्लोजनेस है रशिया की, कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है इंडिया को। मैं आपको रीज़न बताऊंगा किस किस बेसिस पे रशिया और चाइना की क्लोजनेस आ रही है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ मैं आपको अपने नोट्स से बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर है। फिर यही जो एडिटोरियल घुमा फिरा के बात कर रहा है, जो इंक्रोचमेंट स्ट्रेटेजी है ब्रीजिंग की, या फिर रशिया में देयर रीज़न टू रिमेन ब्लाइंड टू चाइना, जो ग्रोइंग एग्रीनेस है, रशिया चुप क्यों है उस चीज़ के पीछे, कि चाइना इतनी चीज़ कर रहा है फिर भी रशिया चुप है। तो एक क्लोजनेस की कॉल आ रही है कि दोनों एक तरफ से पास में आ रहे हैं। फिर जैसे रशिया हमसे दुखी, मतलब हमसे अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि रशिया हमेशा अपने अगेंस्ट रहता है अपने एनिमी के, जैसे लाइक अमेरिका, और हम क्वाड का में फैक्टर जो है वो वन ऑफ द मेन फैक्टर है, क्योंकि क्वाड की जो पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। तो उसका एक बड़ा वन ऑफ द रीज़न है कि हमारे जो अगेंस्ट में, तो रशिया भी चाहता है कोई ऐसा फॉर्मेशन करे चाइना को, या फिर जो सेंट्रल एशिया में जितनी कंट्री है उनको मिला के एक अपना क्वाड की तरह ग्रुप स्टार्ट करे। तो ऐसे रशिया भी चाहता है, क्योंकि उसे काउंटर करना है किसको, उसे काउंटर करता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिका को। उसका रीज़न क्या है, एनिमी का रीज़न जो हेजिमनी ऑफ अमेरिकन्स है ना, उसको कम करना है। तो इस वजह से क्वाड एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। क्वाड के अंदर 4 नेशन है, एक इसमें USA, इधर से आ जाएगा जापान, इधर से आ जाएगा इंडिया, इधर से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो क्वाड इसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी जो है उसको देखना चाहिए एक तरीके से, हमें सोचना चाहिए। रशिया जो कंटिन्यूइंग कर रहा है, ये क्रिटिसिज्म कर रहा है किस चीज़ का, इंडो पैसिफिक की क्वाड का, जो क्रिटिसाइज कर रहा है रशिया, बार बार इस चीज़ को बोल रहा है। इवन जो चाइना के मतलब लीडर्स हैं, वो कई बार बोल चुके हैं कि ये एशियन नाटो है, मतलब कि एशिया में एक नाटो तैयार कर रहे हैं। नाटो एक संगठन है, मैंने प्रीवियस क्लास में मतलब ये बताया था, कल या परसों की क्लास में मैंने नाटो के बारे में आपको कम्प्लीटली बताया था। कल मेरा गला भी खराब था, फिर भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नाटो के बारे में आपको किया था। जो चाइना राइज कर रहा है, जो ग्लोबल मतलब कि प्रोमेंसी राइज कर रहा है, रशिया हैज़ रिजेक्टेड द इंडो पैसिफिक, रशिया रिजेक्ट कर चुका है इंडो पैसिफिक की जो अमेरिकन की पॉलिसी है, कि अमेरिकन शिफ्टिंग कर रहा है कहाँ पे, आपका इंडो पैसिफिक में, रशिया उसको रिजेक्ट कर चुका है, पर हम उसी का ही पार्ट है। तो ये एक तरह से हमारे सामने एक तरह से दीवार बन के खड़ी हो गई है रशिया और इंडिया के सामने। तो हम एक अपनी एक ऐसी पॉलिसी, आपको इंडियन डिप्लोमेसी को एक ऐसी पॉलिसी लानी होगी जो फ्यूचर में उसके लिए अच्छा काम कर गया। जो हमारे रिसेंट जो डिप्लोमेटिक रोमेंस चल रहा है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान में भी देखा गया है, देखो रिसेंटली उनमें भी डीलिंग स्टार्ट हुई है रशिया
और पाकिस्तान में भी, रशिया सप्लाई करेगा वेपन पाकिस्तान को भी, तो एक तरह से थ्रेट किसके सामने आता है, वही न्यू दिल्ली के सामने थ्रेट आएगा। फिर यह है कि रशिया की जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द चाइनाज ग्रोइंग द पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो एक तरह से जो टच स्टोन है रशिया की रिलेशनशिप इंडिया, तो कहीं ना कहीं उस पर बात उठती है। जो शिनो इंडिया की रिलेशनशिप है वो एक तरह से एक्सपीरियंस से शार्प डाउन हुई है आफ्टर गलवान में जो क्लैश हुआ था लास्ट ईयर गलवान वैली में। मैं आपको लोकेशन दोबारा बता दूं, ये गलवान वैली है, चलो बाद में बताऊंगा। तो उसकी वजह से हमारी कहीं शिनो जो इंडियन रिलेशनशिप है वो कहीं डाउन हुई है, और रशिया की जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा आगे वाली चीज़। जैसे यूएसएसआर ख़त्म हुआ था उसके बाद एक तरह से कोल्ड वार का एंड हो गया था, 1991 में कोल्ड वार का एंड हो गया था, तो वो रशिया ने एक तरह से सॉफ्टनेस दिखाई थी सब देशों के साथ, उसके बाद इंडिया के साथ भी आया था। अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं कि चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, तो एक तरह से ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मंडराती हुई दिखाई दे रही है। इस वाले आर्टिकल में इतनी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। फिर मैरीटाइम जो स्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है ना, फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारी, हम अपनी सोच से कर रहे हैं इंडिया को डन, हम वो चीज़ नहीं है कि हम अमेरिका का फेवर कर रहे हैं, इनसे का फेवर कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आएगी जो आपके प्रिय मेंस के काम की हो, इतना तो आपको पता ही है जिसकी ये बात कर रहे हैं। फिर ये लास्ट में जो एडिटोरियल में बताते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि इंडिया चाइना टाई कैसे बढ़ाने चाहिए। एक तो नॉन अलाइनमेंट के नेशन, आपको पता ही है हम नम के तो हम पहले से ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सोवरेनिटी जो हमारी है, सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक जो एटोनॉमी है बिटवीन द की इन्फ्लुएंस होना चाहिए शार्पिंग इंडियन चाइना एंगेजमेंट के लिए विद ईच अदर एज वेल एज वेस्टर्न वर्ल्ड। फिर ब्रीजिंग की जो मतलब की चीज़ें होनी चाहिए, हेजिमोनी जो ओवर एशिया उसको ना दिखाए वो। फिर जो हमारा रशिया इंडिया चाइना का हम ग्रुपिंग कर रहे हैं लाइक ब्रिक्स का नेशन है, उस चीज़ में चले तो इंडियन डेमोक्रेसी को भी मतलब कि डिप्लोमेसी को चीज़ों को वहाँ भी अपनी पार्शियली वैल्यू दे देनी चाहिए, दिखानी चाहिए। फिर यही है कि सारी चीज़ें हैं, सबको मिला के हमें क्या करना चाहिए कि एक तरह से मतलब कि अब एक दूसरे की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी में हमें कभी चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो यही सारी इसमें बात करें, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं था, मेंस के लिए भी नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वर्डिंग नहीं है लिखने के, दम नहीं है इस एडिटोरियल में, फैक्चुअल चीज़ नहीं है जो हमें दिखानी है इसमें। जो चीज़ है कॉमन, कहते हैं ना आलू हर चीज़ में पड़ता है, तो ये सब आलू आलू सा लिखा था इसमें, ऐसा कोई चीज़ नहीं। RIC की बात की है इन्होंने, ब्रिक्स की बात की है, तो ये होते हैं सॉलिड चीज़ें होती हैं। ये तो सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए, ना हमें इतना फेवर US का करना चाहिए, ना इतना फेवर हमें रशिया का आना चाहिए, ना इतना फेवर हमें चाइना का आना चाहिए। हमारी पहले से ही पॉलिसी है कि हम किसी का इतना फेवर नहीं करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा हम वो चीज़ को करेंगे, जो हमारी नेशन के लिए, जो हमारे पीपल के लिए अच्छा होगा वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रशिया और चाइना के टाइस कैसे बढ़ रहे हैं, उसके लिए फैक्ट चाहिए आपको, तो फैक्ट मैं बताऊँगा अपने नोट्स से। जो पहले आता है 2019 में चाइना जो कि प्रेसिडेंट आपके जी जिनपिंग, वो पहले बोल चुके हैं कि आपके जो पुतिन जी है माय बेस्ट फ्रेंड एंड कोलीग है मेरे, मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड कोलीग है। एट नो टाइम सिंस द जो फाउंडिंग द चाइना 1949 से, मतलब उसकी कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं है कि मतलब एक भोई में करके, मतलब एक तरीके से दोनों के बीच में क्या है, एक तरीके से मतलब किसी वर्ड को क्या कह सकते हैं, खुशी मिजाज एक तरीके से बिटवीन द लीडरशिप चाइना, इतनी कोई उनके बीच में इतना डिस्प्यूट नहीं था। था थोड़ा टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर, पर इतना डिस्प्यूट नहीं था। तो वही चीज़ है कि जो इनकी शार्पिंग हुई है इन द वर्ल्ड में, जो एक तरह से देखो, एक तो दोनों के कॉमन एनिमी कौन है, अमेरिका, ठीक है ना, कॉमन एनिमी चाइना का भी और रशिया का भी, तो ये दोनों को पास आने की वजह बनता है, दोनों के पास आने की वजह। एक तो एंड ऑफ कोल्ड वार 1991 में ख़त्म हो गया था, फैक्टर क्या है, ये दोनों इतने क्लोज आ रहे हैं, तो कोल्ड वार ख़त्म हो गया था तो उसकी वजह से जो आपस में बहस चलती थी वो बंद हो गई थी। फिर रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, जो उनके बीच छोटे छोटे डिस्प्यूट थे रिगार्डिंग लैंड के डिस्प्यूट थे, उन्होंने सॉल्व कर लिए, पॉलिसी ला के ट्रीटी साइन करके वो उन्होंने सॉल्व कर लिए। इनके कॉमन एनिमी है, कौन है कॉमन एनिमी, US से ऑब्वियसली बात है, या वेस्टर्न कंट्री आप बोल सकते हो। उसके बाद एक्सटर्नल पुश फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल पुश फैक्टर, जैसे वेस्टर्न कंट्री क्या करती हैं, सेंक्शन लगा देती हैं किस पे, रशिया पे सेंक्शन लगाया हुआ है, जो से यूरोपियन कंट्री हैं वो इसे पेट्रोलियम और गैस की डील करते थे वो कट हो जाती है। ऊपर से जो आपका ग्लोबल मार्केट है उसमें ऑयल के क्रूड प्राइसेस कम है, इधर से सेंक्शन लगने के बाद उसकी गैस की जो सप्लाई होती थी, एक्सपोर्ट करता था रशिया, वो कट हो गई थी। तो उसकी वजह से रशिया ने क्या देखा कि अल्टरनेटिव देखा, कि अल्टरनेटिव कौन है, चाइना, तो उसने अल्टरनेटिव देखा, इसका वन ऑफ द रीज़न ये है। इंक्रीज़ किया अपने इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल टाई को, जो अभी जो व्यापार होता है चाइना और रशिया के बीच में $108 बिलियन का, यानी कि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा है,
ये भी याद रखो। रशिया के जो बैंक है उसमें इंक्रीज हो गई है, चाइना की करेंसी रिजर्व जो है वो भी इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं। फिर रशिया हैज़ नाउ हाई टेक्नोलॉजी लेवल, शेयर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स हैज़ डिक्लाइन, पर है तो टेक्नोलॉजी तो हाई है पर जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, तो कहाँ से फुलफिल करेगा, वो चाइना से करेगा। फिर यूएस हेजेमनी है, प्राइमरी थ्रेट तो यही है, जो यूएस की हेजेमनी चलती है ना हर रीजन में अपनी दिखाता है, तो प्राइमरी रीज़न तो यही है दोनों का क्लोज आने का। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको चीज़ें चाइना और रशिया के बारे में मैंने आपको बताई, और उस एडिटोरियल से आप कुछ इतना खास नहीं मिल सकता, उसमें यही बता रहा है कि एक तरह से खतरे की घंटी तो है, क्योंकि रशिया हमारे कभी यूएस ये नहीं सोचता, कभी यूएस ने हमें ऐसे नहीं सोचता, यूएस सोचता अपने प्रोस्पेक्टिव से कैसे मुझे इकोनॉमी का फ़ायदा मिल सकता है, कैसे मुझे चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है, वो ये नहीं सोचेगा कि दूसरी कंट्री को उसमें क्या फ़ायदा हो। जैसे अभी क्या था, हम क्या लगाते थे, हम लगाते थे आप बोल सकते हो उसे इंटरनेट टैक्स बोल सकते हो, जो 2% है आसपास है इंटरनेट टैक्स, तो रशिया ने मतलब अमेरिका ने ऑफ़र किया था जो आपका हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं चीज़ों पे हम वो घटा देंगे, कम कर देंगे, आप प्लीज़ ये टैक्स ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसा मतलब उन्होंने चीज़ें रखी थी, क्यों सोच रहे थे, वो देख रहे थे जो इंटरनेट वाले टैक्सेस हैं ये, क्योंकि इंटरनेट डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा फ्यूचर में, तो ये टैक्सेस कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडिया को, और हम इंपोर्ट हमारा इतना कुछ खास इंपोर्ट नहीं है तो उसमें हमारा इंडिया का वहीं रहेगा। तो एक तरह से फ्यूचर की सोच रहे थे, अपने लिए सोच रहे थे। फिर जीएसपी जनरल प्रिफ्राइज जो जीपीएस है आपका, वो वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया उसका। तो ये सारी कहीं ना कहीं रशिया क्या सोचते, सॉरी अमेरिका क्या सोचता है, अपने लिए सोचता है। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया क्योंकि क्लोजनेस बढ़ रही है, और ये एडिटोरियल काम का नहीं है, पॉलिटिकल है। इतना बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक डिसएबल कश्मीर पॉलिसी, कई बार इशू बाइडन बोल चुके हैं कश्मीर में आपने वायोलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का, उसी के ऊपर कई बार है ये आर्टिकल। पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, सभी कश्मीर की जितनी पार्टीज़ हैं ठीक है उनको बुलाया जा रहा है, मोदी जी बात करेंगे, और मे बी ये भी बात की गई है दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा स्टेट, जो स्टेटस था स्टेट का स्टेटहुड स्टेटस था उसको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा, यानी यूटी से कन्वर्ट करके स्टेट दोबारा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर विदाउट एनी स्पेशल स्टेटस। ठीक है, ये केरला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नए प्रेसिडेंट आया, कहाँ के प्रेसिडेंट है, इब्राहिम आपकी रईसी जो प्रेसिडेंट आया, ईरान के नए प्रेसिडेंट आया, तो कहीं ना कहीं जो इनके चीज़ें हैं ये बोलते हैं कि हमें अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए, जब तक के प्रेसिडेंट थे वो बात नहीं करते थे, ठीक है की भी थी फिर उन्होंने बाद में छोड़ दी थी, तो कहीं ना कहीं देखते हैं जो भी इनकी बात होगी, बीडन से बात होगी, जो भी यूएस से इनकी डील होगी, JCPOA पे डील होगी, जो भी डील होगी इनकी न्यूक्लियर पे जो भी डील होगी वो इनके ऊपर है डिपेंड। दूसरी न्यूज आती फोकस ऑन COVID-19 एस्टीमेट डेथ, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वही है डेथ का एस्टीमेट कैसे किया जाएगा, इसमें कुछ बताएं अगर कहीं पूछ ले कि एक तो डेथ का ऑडिट होना चाहिए, कितनी डेथ हुई है, डेथ का एनालिसिस होना चाहिए, डेथ का सर्वे होना चाहिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ का ध्यान देंगे। तो ऑडिट की बात की है पहले उसमें कि गांव तक लेवल तक ऑडिट होना चाहिए। दूसरी जो इसमें बात करते हैं वो इसमें बात करते हैं शुड बी एनालाइज मोर सिस्टमेटिकली, थोड़ा जो डाटा है तो सिस्टमेटिकली एनालाइज करो। थर्ड जो बात करते हैं रूरल और स्मॉल टाउन में जो एडिशनल डाटा उसको वहाँ से भी कलेक्ट करो, क्योंकि कुछ डेथ ऐसी हुई हैं जो पता नहीं है घर में ही होगी है, उस चीज़ को चेक करो। और इन्होंने एक चीज़ बोला कि रजिस्टर्ड जनरल जो सेंसिक्स कमीशन है ऑफ इंडिया ठीक है ना, उसके लिए जैसे बूथ लेवल ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन में गांव-गांव जाके वो सर्वे करते हैं, उस टाइप का सर्वे स्टार्ट करो। फोर्थ इन्होंने जो बोला है जो आपका डिकेडियल जो 10 साल में आप सर्वे करते हो सेंसिक्स करते हो उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2021 वाला तो होना था वो लेट हो रहा है हमारा पेंडेमिक की वजह से, उसको स्टार्ट कर दो। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया यूएस चाइना में कंडक्ट किए गए हैं सेंसेक्स 2020 में भी ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम पे वहाँ पे सेंसेक्स किए गए हैं। तो सेंसेक्स से क्या होता है ना, उससे पता लगता है किस एरिया में डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कि वुमेन का रेशियो किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में बच्चों का रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। तो उसके हिसाब से क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सेट होती है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी किस एरिया पे फोकस करना है। तो आपको ये बताना है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये जो मैंने बताया किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये ऑफिस आता है ठीक है, सेंट्रल जो सेंसेक्स कमिश्नर है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो यही सीन चार बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। तो जब सेंसेक्स करने जाओगे घर घर जाओगे तो आपको क्या होगा पता भी लगेगा, कितने आदमी कम हुए हैं, कितने आदमी घटे हैं, तो ये सारी बात करेंगे। दूसरा आता है मैटर ऑफ ड्रेस एंड डिसिप्लिन। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो सेंट्रल CBI के नए डायरेक्टर आए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, उन्होंने क्या बोला है कि जितने ऑफिसर्स हैं वो फॉर्मल क्लोथ पहन के आएंगे वाइल फॉर्म ड्यूटी, यानी कि वो पैंट शर्ट
वियरिंग टाई वाई जो भी है, जो वुमेंस होंगी साड़ी सूट उस टाइप के कपड़े पहन के आएंगी, क्योंकि लगना चाहिए कि आप ऑफिस में आए हो। तो कहीं ना कहीं जो जो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है वो आपको डिसिप्लिन को बोलती है कि आप डिसिप्लिन में, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, यूनिफॉर्म होती है कॉलेज में, तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है यूनिफॉर्म। और आपको पता लगता है यू आर द स्टूडेंट, यू आर द पुलिस सर्विस ऑफिसर जब आप उस चीज़ को पहनते हो। तो एक तरह से जो आपकी फॉर्मल क्लोथ है उनको वियर करना, वो टी शर्ट वीशर्ट पहन के आ रहे होंगे बेचारे। ये सारी बात की गई इमेज ऑफ द पुलिस, कई बार देखा गया कि इस चक्कर में इमेज भी ख़राब होती है। जैसे अभी अभी रिसेंटली जो डीजी हैं बिहार के एसके आपके सिंगल, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन अब बैन कर दिया है ड्यूरिंग द ड्यूटी। तो उससे इफेक्ट पड़ता है कि पुलिस वाले बिजी रहते थे चैटिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, ड्यूटी पर ध्यान नहीं देते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ वायलेंस क्रिएट हो जाए सोसाइटी में, तो वो ध्यान नहीं जाता था उस चीज़ पे, वीडियो में मस्त रहते थे, ड्यूटी सीरियस से निकल कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट भी जाता था। आपकी सोसाइटी में पुलिस वाला बैठा हो और वो सिक्योरिटी गार्ड हो, पूरे दिन फ़ोन में बिजी रहता हो, तो एक तरीके से क्या जाता था, एक गलत मैसेज जाता था, ये तो फ़ोन ही चलाता है, ड्यूटी ही नहीं करता ढंग से। दूसरा कुछ ऑर्डर ऐसे भी आए थे, उन्होंने बोला था फ्यू ईयर अगो, जो डीजी बिहार के ही हैं, उन्होंने बोला था जैसे आप स्पोर्टिंग करते हो, तिलक लगाते हो या यूनिफॉर्म पे कोई साइन लगा रहे हो, रिलीजियस साइन है, उस चीज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया था। एक्सेप्शनल सिख जो कम्युनिटी है उनको दिया गया था, जो वो टर्म पगड़ी बांधते हैं या फिर वो चीज़ें जो बियर्ड रखते हैं, मुस्टैच रखते हैं, उनको एक्सेप्शनली, क्योंकि उनका कुछ अलग चीज़ है। पर सेकुलर नेचर होना चाहिए पुलिस फोर्स का इन द कंट्री, तो उन्होंने इसको देखते हुए उन्होंने जो रिलीजन कुछ भी आप लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो फोर हेड पे, उसको बैन कर दिया था कि नहीं आपका सेकुलर नेचर है, यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, तो आपको सेकुलर रहना है विदाउट। तो उससे एक फेथ जाता है, अगर आप किसी मुस्लिम के इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई क्लैश हुआ बिटवीन टू कम्युनिटी, ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करने गए तो उसके दिमाग में ये रहता है कि नहीं ये तो ये है, तिलक लगा रखा है हिंदू, उसका फेवर लेगा, वो पहले से मन बना लेता है। अगर आपका वो सेकुलर नेचर रहेगा तो शायद आपका अच्छे से आपके इंप्रेशन भी अच्छा रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये राइटली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल। अभी एक जो ITBP थी आपका, उसके जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स थी कमांड, उसमें क्या किया गया था कि हर साल मतलब हर ईयर मतलब कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ठीक है ना, जो उसके पर्सनल्स हैं, जैसे मतलब आप ट्रिम और फिट के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़रूरी है। और पेंडेमिक टाइम में कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है, हमारा हेल्थ सेक्टर को थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला है, तो हर सेक्टर में जैसे सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी ऐसा कराना चाहिए कि डिपार्टमेंटली हेल्थ इशू है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इस टाइप का भी उन्हें लेके आना चाहिए अपनी जॉब के अंदर चीज़ों के, कि हेल्थ के फिटनेस के साथ साथ आपकी या ड्यूटी के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी चेक किया जाना चाहिए। तो यही व्हेन द प्राइवेट कंपनी कैन इन्फोर्स द ड्रेस कोड, देर इज नो रीज़न वाई गवर्नमेंट सर्विस शुड नॉट। तो यही इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए। दूसरा जो एडिटोरियल आता है वो आता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। अभी जो रिसेंटली बिटवीन जनवरी टू मई में इतने सारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के सामने, तो राइज हो रहे हैं देखो केसेस कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के इंडिया के अंदर। ये सोशल इशू का बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है, लिखने के लिए ऐसे भी आ सकता है, इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है। सफरिंग इन साइलेंस 23 जो मतलब 2300 जो आपके क्या हुए डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल हुए नेशनल कमीशन के जनवरी टू मई के अंदर, यानी कि 6 मंथ में ही कम से कम 2500 से 3000 केसेस आ गए हैं, हाईएस्ट देन कभी इतने केसेस 2000 जो ईयर था 2000 जो ईयर था उस टाइम पे रजिस्टर्ड हुए थे, उसके बाद अब 2021 में हाईएस्ट केसेस आया। कुछ रीज़न ये भी हो सकता है, कुछ कहीं पे साइलेंट रहती हैं, अब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, डिजिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों की बात समझ में आ रही है, उस वजह से भी केस इंक्रीज़ हो सकते हैं, या फिर कोविड पेंडेमिक टाइम चला है, लोग घरों में कैद रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर गए हैं, उसकी वजह से भी केस राइज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि आंध्र प्रदेश में कि हेल्प नेवर बी टोल्ड एनीवन, उन्होंने बोला ही नहीं किसी से, उन्होंने बोला पर कि हेल्प के लिए मांगा कि साउट हेल्प, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस जो वुमेन के ऊपर होता है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अपने नोट्स के अंदर, क्या क्या रीजंस होते हैं उस डोमेस्टिक वायलेंस के, क्यों थ्रेट है, कोविड की वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस क्यों इंक्रीज़ हुआ है हमारे इंडिया के अंदर। स्टार्ट करते हैं, रिसेंटली टाइम में देखा गया कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेंस हैज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया, ऐसे देखा गया कि इंक्रीज हुए हैं। ये लाइन एक एक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 37% ऑफ मैरिड जो मैरिड वुमेन है फेस डोमेस्टिक वायलेंस, जो मैरिड वुमेन है उनका 37% यानी कि 1/3 बोल सकते हो।
डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ए वायलेंस, ये क्या है डोमेस्टिक वायलेंस, एक तरह से वायलेंस है जो आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, उस विद डिग्निटी आप जीना चाहते हो, राइट टू इक्वलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, गारंटीड करता है आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, डिमांड प्रॉपर लीगल एक्शन लेने के लिए। जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह वायलेंस है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आपके, इक्वलिटी के, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के, गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड प्रॉपर एक्शन, तो इस सब चीज़ की बातें उसमें होती हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल, देखो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बोल चुके हैं, अटेंशन इस चीज़ के बारे में हमें लानी होगी, जो ये ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज़ हुआ, ये नहीं कि इंडिया में ग्लोबल लेवल पर डोमेस्टिक जो वायलेंस इंक्रीज हो रहा है लास्ट फ्यू वीक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेजर इम्पोज बाय सेवरल कंट्री कोविड-19 को टैकल करने के लिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ है, कहीं भी लिखना होगा इनका नाम में आपने मेंशन किया, यूएन के ग्लो सेक्रेटरी जनरल ने ये बात बोली है। क्यों इस चीज़ को फ्यूल मिलता है, क्यों फ्यूल मिला है पेंडेमिक टाइम में इस चीज़ को, मतलब कि इतने इंक्रीज हुए हैं, उसका कारण है कि एक तो घर में रहने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब की बात होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात हुई, एनजाइटी लोगों के अंदर होने शुरू हो गई कोरोना की वजह से, पूरा दिन टीवी में देखते हो ये मरा, ये कटेगा, ये होगा, वो होगा, पेंडेमिक चल रहा है, तो एक तरह से एनजाइटी क्रिएट हो रही है, चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, फिर वो क्लैश में ही बदलता है वो चीज़, वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही बदली वो चीज़ बाद में आके, तो ये सारी चीज़ें। फिर इंडिया की नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उसने खुद बोला है कि जो इशू है जो केसेस है डोमेस्टिक वायलेंस के, वो नेशनल वाइड इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ नेशनल लॉकडाउन, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सन 2000 के बाद 2021 में इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं विद इन 6 मंथ, अभी तो पूरा ईयर पड़ा है, 6 मंथ पड़े हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी ये बोला है 1 in every 3 वुमेन अक्रॉस द ग्लोब एक्सपीरियंस द फिजिकल और एंड और सेक्सुअल वायलेंस बाय द इंटीमेट पार्टनर और सेक्सुअल वायलेंस बाय एनी, कुछ कोई भी हो सकता है पूरी लाइफ टाइम में हर, तो ये बोल रहा है 3 में से 1 महिला ने कहीं ना कहीं कोई फिजिकल वायलेंस हो या फिर कोई सेक्सुअल वायलेंस हो उसने फेस किया अपनी कंप्लीट लाइफ में, ऐसा WHO ने बोला है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे फिजिकल वायलेंस हो, आपने किसी के लगा दिया, ठोक दिया, लात मार दी या पीट दिया आपके स्लैपिंग, हिटिंग, किकिंग और बीटिंग। सेक्सुअली वायलेंस क्या हो सकता है, इंक्लूड द फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप फोर्सली किसी को बोलो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, एंड अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल जो होते हैं आपके कोर, आपके कोरिजन कौन होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं यार उसमें, इवन योर हस्बैंड भी वो बोल सकता है इंटरकोर्स करने के लिए फोर्सली, तो भी एक सेक्सुअली वायलेंस में आएगा। आप किसी के इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज कर रहे हो, सच एस इंसल्ट कर रहे हो, किसी की कंसल्ट कर रहे हो, तो इमोशनल भी होते हैं, सेक्सुअली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ के वायलेंस होते हैं। कि फिर होता है कंट्रोलिंग द बिहेवियर, इंक्लूड द आइसोलेट होना पर्सन फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड, मॉनिटरिंग करना देयर मूवमेंट, एंड द डिस्ट्रिक्ट आप कर सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्स, इंप्लॉयमेंट, एजुकेटिंग, मेडिकल केयर, ये कुछ कंट्रोल बिहेवियर इंक्लूड क्या क्या है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 30% दे रखा है, पर जो नीचे है वो 38% दे रखा है, जो पीछे वाला था 1/3 वाला, तो आप देख सकते हैं कि बिटवीन, ओके 30% दे रखा है 15 से 50 साल की वुमेन के बीच में जो होते हैं वो 30% वही वुमेन है, तो यानी कि आप देख सकते हो वही मैरिड वुमेन मोस्टली उसके अंदर होंगी। रिपोर्ट किया गया जो मैरिड वुमेन है एक्सपीरियंस क्या करती हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल वायलेंस को फेस करती हैं, ये अलार्मिंग चीज़ है कि 83% क्लेम हो रहा है डेट देयर हस्बैंड वर द मेन, उनके सामने एक तरह से जो परपेक्टर है वो मेन हस्बैंड ये जो अब्यूज़ कर रहा है उनके साथ, तो ये क्या देखा गया कि हस्बैंड ही कारण कहीं ना कहीं है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी मदर हो सकती हैं, फादर, सिबलिंग, हस्बैंड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप सोसाइटी में देखते ही हो। 2018 में यूनाइटेड नेशन ने स्टडी की थी, सजेस्ट किया था ग्लोबली कि ऑल द फीमेल जो मर्डर हुए थे उसमें से 82% जो थे वो मैरिटियल मतलब शादीशुदा वाली औरतें थी जिनके देखा गया सब चीज़ें। फिर हमारे जो SDG गोल है, अगर ये चीज़ चलती रही, जेंडर इक्वलिटी की जो SDG गोल बात करता है, वो बात करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो बात करता है, एलिमिनेट करने के लिए बोलता है ऑल टाइप ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि SDG कौन सा बोलता है। ये बोलता है टू अंडरटेक को कि 2030 तक आपको फुलफिल करना है जो आपके SDG गोल्स हैं, इससे पहले आपके MDG गोल्स होते थे,
2000 में स्टार्ट हुए थे, 2015 तक वो चले, फिर SDG गोल आए 2015 से 2030 तक इनका टारगेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रीज़न क्या है, व्हाट वाज द रीज़न, ये सब चीज़ें जो सोसाइटी में होती हैं कि सोसाइटी के रीज़न क्या है जो आपको लिखने के लिए मेंस में लिखी होंगी, अगर आप ऐसे भी मेंशन कर दोगे ना मेंस में तो भी आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। एक तो जो पैट्रियार्टिकल एटीट्यूड है, ये सोचा जाता है कि वुमेन तो एक ऑनरशिप ऑफ द वुमेन हमने ले ली है। उसके बाद डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम कहीं ना कहीं कारण बनता है, वन ऑफ द रीज़न ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि पैसे नहीं लाए घर से, ये नहीं करा वो नहीं करा, तेरे घर वालों को कुछ पैसे नहीं दिया, तो वन ऑफ द रीज़न इज दैट डॉरी सिस्टम इन इंडिया। फिर आता है सोशल कल्चर, जो वुमेन को मतलब कि ऐसा बोला जाता है सपोज टू बी सबमिशन टू हर हस्बैंड, मतलब ये रखेल बना लो या नौकरी करने आई है हस्बैंड की, उस टाइप से ट्रीट किया जाता है। सोशल जो कल्चर है बस वही, कि वही मैन को इन्फीरियर बनाया जाता है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, कि जो हमारे वुमेन के फंडामेंटल्स चीज़ें हैं वो लेस वैल्यू हैं देन ए मैन, ठीक है ना। हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी आती है, उसमें जो जेंडर गैप इंडेक्स आता है उसमें भी इंडिया की रैंकिंग 112 रैंकिंग तो कितना पीछे है, अंडर 100 के भी नहीं आते, 100 के बाहर ही समझ लो इंडिया को, तो जेंडर इक्वालिटी की बात ही नहीं होती। अब आपको DSP बताना है कौन से जेंडर इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता है। उसके बाद है लैक ऑफ सपोर्ट, कभी कभी ये चीज़ होती है कि जो आपकी वुमेन के ही साइड के वाले हैं, जो मैट्रिनल जो फैमिली वाले हैं, इवन जो लड़की के घर वाले हैं, वो भी कभी ना कहीं सब कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट का बहुत बड़ा कारण है, अगर आपको सपोर्ट दिया जाए तो आप शायद उस वायलेंस से बाहर आ सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो फोर्स ए वुमेन टू कंटिन्यू, आप फेस करते रहो वायलेंस को, टॉलरेट करते रहो वायलेंस को, बिहेवियर को, ठीक है ना, मतलब शादी मत तोड़ो, तो कभी ना कहीं वो सपोर्ट वाला कारण भी आगे आता है। लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ा कारण है, कि आधी महिला को तो ये नहीं पता उनके राइट्स क्या है, ठीक है ना, उनको बस यही बताया जाता है, टॉट यही किया जाता है कि मैरिज जो है आपका अल्टीमेट गोल है एंड शी हैज़ टू बी अचीव, उसको अचीव करना है, कि शादी तूने कर ली है, इसे तोड़ना नहीं है, इसे अचीव करना है, कि अल्टीमेट गोल ये बताया शादी आपका, ये नहीं कि शादी से ऊपर भी हटके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है आपको, लीगल राइट्स वुमेन को नहीं पता है, ठीक है ना, ये सारे कारण है। और अदर रीज़न क्या हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकता है, दारूबाज है, एल्कोलिज्म हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे करता है, कि स्ट्रेस आता है आपके सामने, फाइनेंशियली हार्डशिप आती है कि पैसा नहीं है, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली रिलेशनशिप में क्राइसिस आते हैं, कि इन सब चीज़ों से, कि पॉवर्टी है, गरीब है, तो उसमें रिलेशनशिप में एल्कोलिज्म, दारूबाज है तो ये भी है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो उसकी हार्डशिप आती है फाइनेंशियल की। तो ये कुछ कारण है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे एक्सप्लेन करके, बिल्कुल ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी नंबर नहीं कटने वाले। UPSC का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये लिखना है, उसका मतलब है कितनी आपके पास नॉलेज है, किस वे से आपने वो एक्सप्रेस की अपनी नॉलेज, बस उतना ही वो समझना चाहते हैं। दूसरी आती है इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जो इंडिया में क्या क्या हुआ है। अंडर द रिपोर्टिंग ऑफ द केस, कुछ तो ऐसे केसेस हुए हैं कि अंडर द रिपोर्टिंग द केस नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन रिकॉर्डेड 291 कंप्लेंट, जो लास्ट ईयर मार्च में 291 कंप्लेंट की थी, ठीक है ना। नाउ ओनली द रिसीविंग कंप्लेंट द ईमेल, एक तो पहले क्या होता था कि आप ऑफलाइन जाके कंप्लेन कर सकते हो, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, जो स्टार्टिंग ईयर्स थे 2020 वाला केसेस नहीं ले रहे थे, ऑनलाइन जो ईमेल से ले रहे थे केसेस, किसी वुमेन के पास तो ईमेल वेमेल को पता नहीं है उसको, ठीक है ना। तो 2021 में ये भी कारण हो सकता है केस बढ़ने का, कि एकदम से लॉकडाउन खुला तो उस वजह से लोग बाहर निकल के आए होंगे, केसेस रजिस्टर्ड किए होंगे उन्होंने, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फिर वही तो सारा जो सोसाइटी में चल रहा था, एक तरह से ऑर्थोडॉक्सी, सोशल नॉर्म्स, स्टिग्मा चालू था कि वुमेन के लिए बिलोंगिंग टू द पुअर एंड वल्नरेबल क्लासेस उन्होंने ज़्यादा फेस किया, ठीक है ना, नॉट एबल टू फाइल एनी कंप्लेन, यू जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सब चीज़ बनता था, वो कंप्लेन फाइल नहीं कर पाई, अब लॉकडाउन ओपन हुआ तो कंप्लेन करने वो आ गया ही। और डीफंक्शन ऑफ द एनजीओ क्या करते हैं, सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आजकल आपने आंसर राइटिंग में देखा होगा व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, साथ में लिखा होता सब चीज़, बात लास्ट में ये लाइन देखने को मिलेगी, एनजीओ का रोल क्या है, एनजीओ बहुत बड़ा रोल निभाते हैं सोसाइटी में। तो एक तरह से पेंडेमिक स्टार्ट था, लॉकडाउन था, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी या एनजीओ थे, जो गाँव गाँव में जाके बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डीफंक्शन थे, वो नहीं थे, उसकी वजह से भी केस कम रजिस्टर्ड हुए, अब लॉकडाउन करा तो केस बढ़ने स्टार्ट हुए। तो कुछ मेज़र क्या लेने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को, वही जो सारे, सॉरी, गवर्नमेंट ने क्या मेज़र्स लिए हैं, एक तो क्रिमिनल ऑफेंसिव 1983 में डोमेस्टिक वायलेंस में डाला गया, सेक्शन 498 को इंस्टीट्यूट किया गया इंडियन पेनल कोड में, कि हस्बैंड की रोटेट करता है वुमेन्स मैरिड वुमेन के ऊपर उसके ऊपर, फिर डॉरी प्रोहिबिशन, हमारा डॉरी नहीं ले सकते, बिल्कुल कानूनन अपराध है ये, डॉरी आपका प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी हमारे पास है, वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। तो ये कुछ एक्ट है जो हमें गवर्नमेंट हमें देती है बचाने के लिए, वुमेन को पावर देती है कि मेजर कैसे ले सकते हैं प्रिवेंट करने के डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे बड़ा है आपका, आपको जेंडर इक्वलिटी बोल दो, सेंसिटाइजेशन बोल दो, उसको क्या करना है, उस चीज़ पर बात करनी है। फिर जो इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी में आपकी डिसमिनेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको, चीज़ों को चेक करना है, जो अनअवेयर है, जो लीगल सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि ऊपर वाले जो पॉइंट है ना इनको आप घुमा दो, आपको आंसर लिखना हो इनको घुमा दो। इनको कैसे घुमाओ कि जो पैट्रियार्टिकल एटीट्यूड है उसको लेस करना चाहिए सोसाइटी में, जो डॉरी सिस्टम है उसके लिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है ना। उसके बाद जो जेंडर इनइक्वलिटी पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए उस चीज़ के लिए, लैक ऑफ सपोर्ट को मतलब लाना चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि घर वाले सपोर्ट करें, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, वही सारी चीज़ में घुमानी है कि राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थी रिलेशनशिप स्किल सिखानी है कि इनके बीच में स्किल आनी चाहिए, इकोनॉमिक पावरमेंट, वही जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे थे, फाइनेंशियल बर्डन फेस कर रहे थे, वही कारण बनता था, वही सारी चीज़ इसमें घुमा दिए ना। तो वही होता है कि जो आप अगेंस्ट में लिखते हो उसको लास्ट में वही घुमाना है आपको। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हैज नॉट हेल्प मच इन प्रिवेंटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट लेना होगा रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एक सोसाइटियल एंड गवर्नमेंट लेवल पे, दोनों लेवल पे। तो ये जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, ये ढंग से काम नहीं कर पाया, उस चीज़ को नहीं दे पाया जो आर्टिकल 21 बोलता है। तो उस पर भी देखो मैंने बोला ना, उस चीज़ पे भी आपको जो स्ट्रांग बनाने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, तो यही सारी चीज़ है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एडिटोरियल कोई काम का नहीं था, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई एडिटोरियल काम का नहीं था और ये भी काम का नहीं था, फिर ये पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में, केरला के बारे में। तो इतनी ही न्यूज़ थी फ्रेंड्स, मैं जो न्यूज़पेपर है वो एक दो घंटे में डाल दूँगा। थैंक यू।